नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। भैया आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रोप्रेनोलॉल टैबलेट के बारे में। प्रोप्रेनोलॉल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही भैया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रोप्रेनोलॉल है ये आपको मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिलती है, क्योंकि प्रोप्रेनोलॉल दवाई का मूल नेम है। मेडिकल स्टोर पे ये अपने कुछ फेमस ब्रांड नेम से बिकती है, जिसमें से दोस्तों इंडेरल टैबलेट का नाम आपने सुना होगा। साथ ही दोस्तों ये सिप्लार एले के नाम से आती है, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग जो है मेडिसिन होती है। सिप्लार के नाम से भी ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। अगर बात करें दोस्तों कि भाई ये कितने mg में मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, तो दोस्तों 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80, 120, 160 ऐसे ये जो है मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई जो ये प्रोप्रेनोलॉल है ये आखिरकार है क्या, किस क्लास की दवाई है, तो दोस्तों ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। दोस्तों ये मेडिसिन करती क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, उसको क्या कर देती है दोस्तों, रिलैक्स कर देती है, मतलब आराम देती है, जिससे दोस्तों हार्ट रेट जो होता है आपका वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, और दोस्तों जो आपका ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रोप्रेनोलॉल टैबलेट है इसका उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों एक इसकी आम कंडीशन है जो कि है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, मतलब अगर किसी का जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ दोस्तों अगर मान लीजिए कि इरेगुलर हार्ट बीट है तब भी इस टैबलेट को डॉक्टर देते हैं। साथ ही दोस्तों इस टैबलेट का उपयोग हार्ट अटैक के बाद भी किया जाता है, जिससे दोस्तों सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। साथ ही दोस्तों अगर किसी के माइग्रेन या फिर हेडेक की समस्या रहती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। चेस्ट में पेन, जिसको एंजाइना की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस टैबलेट को देते हैं। बात करें दोस्तों तो जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो दोस्तों ये क्या करता है, स्ट्रोक के चांस, हार्ट अटैक के चांस, किडनी प्रॉब्लम्स, इन सबको ये कम कर देता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लगातार कई दिनों तक बढ़ा रहता है तो उसे हार्ट अटैक के चांस, किडनी के चांस या फिर दोस्तों जो है स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इस दवाई का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका डोज कितना चलाते हैं डॉक्टर। उपयोग करने की बात करें तो दोस्तों इस टैबलेट को दिन में 2 से 4 बार लेने की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं आपकी कंडीशन को देखते हुए। बात करें डोज के बारे में तो दोस्तों डोज आपकी कंडीशन की सिवेरिटी पे डिपेंड करता है, आपकी उम्र पे डिपेंड करता है, इसलिए सही डोज के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट मरीज को दिखाई देते हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों जो आपका हार्ट रेट है वो कम हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपको डायरिया की दिक्कत होना या फिर हेयर लॉस होना, ये भी एक इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है। साथ ही दोस्तों नौजिया, मतलब मतली जैसा महसूस होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी या फिर थकान लगना, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो इस दवाई को नहीं लेना है, साथ ही आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। भाई अगर हम बात करें कि सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, तो सावधानियों में यही शामिल है दोस्तों, अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है, पहले कभी एलर्जी रह चुकी है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं तब भी इसका इस्तेमाल अपने आप से नहीं करना है। हार्ट फेल्योर के केस में इस दवाई को अपने आप से नहीं लेना है। या फिर दोस्तों हाइपर थायरॉयडिज्म जिस व्यक्ति के है, मतलब थायराइड बढ़ा रहता है, उसको भी ये दवाई अपने आप से नहीं लेना है। किडनी की बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी हो गई या फिर किसी के डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में इस दवाई को अपने आप से नहीं लिया जाएगा, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो प्रोप्रेनोलॉल टैबलेट के ऊपर। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए।
जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।